अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। क्या दोस्तों, आप आज की इस वीडियो में सीखना चाहते हैं कि आप अपने एलपीजी गैस सिलेंडर कैसे पेमेंट कर सकते हैं या फिर कैसे बुक कर सकते हैं। और दोस्तों आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सिंपली दोस्तों आपको अमेज़ॉन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में या लैपटॉप में अमेज़ॉन एप्लीकेशन नहीं है तो आप इसे सिंपली किसी भी एक दूसरे ब्राउज़र से ओपन कर लें, और ओपन करने के बाद में आप अपने अमेज़ॉन अकाउंट में लॉगिन कर लें। और लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेज़ॉन पे का एक ऑप्शन आ रहा है। सिंपली यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में रिचार्ज, पे बिल, और यहाँ पे सिंपली दोस्तों थर्ड लाइन में अभी के अपडेटेड अमेज़ॉन एप्लीकेशन में ये शो हो रहा है कि थर्ड लाइन में गैस सिलेंडर का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे कहीं पे देख सकते हैं कि गैस सिलेंडर कहाँ पे है। सिंपली आपको यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एलपीजी सिलेंडर पेमेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट प्रोवाइडर टू प्रोसीड करके एक ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आपको यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में तीन ही गैस कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि ये इंडियन गवर्नमेंट की है, भारत गैस, एचपी गैस और इंडियन गैस। तो सिंपली दोस्तों आपको अपना एक सिलेक्ट कर लेना है। मेरा इंडियन गैस है तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैंने इंडियन गैस सिलेक्ट कर लिया। और दोस्तों नीचे वाले डब्बे में आपको अपना एलपीजी का आईडी या फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला तो यहाँ पे कस्टमर नेम, डीलर नेम और बिल अमाउंट का एक ऑप्शन आ रहा है। सिंपली दोस्तों यहाँ पे उसके बाद में आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हल्का सा लोडिंग लेने के बाद में यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। सबसे ऊपर में दोस्तों यहाँ पे यूपीआई, नेट बैंकिंग, ऐड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड का ऑप्शन आ रहे हैं। सिंपली दोस्तों आप अपने यहाँ पे एटीएम कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप चाहते हैं ना कि जो सिलेंडर पहुँचाने आता है घर पे, अगर वो घर पे आ जाए उसके बाद में आप उसे पैसे दें, तो सिंपली आपको पे ऑन डिलीवरी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और उसके बाद में सिंपली आपको प्लेस ऑर्डर एंड पे वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इससे होगा ये कि आपका जो गैस सिलेंडर का जो बुकिंग रहेगा ना, वो हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको अमेज़ॉन के थ्रू अगर आपको अपने गैस सिलेंडर का अगर बुकिंग करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।